An Academy. Let's crack it. Order 14 is important, that deals with framing of issues. तो इश्यूज कब अराइज करते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है, व्हेन इश्यूज अराइज. तो इश्यूज अराइज व्हेन मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ वन ऑफ इफेक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी. ठीक है, कोई भी मटेरियल प्रोपोजिशन जो कि एक पार्टी अलेज करती है एंड दूसरी पार्टी डिनाई करती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इश्यूज. उन चीजों से क्या होते हैं? इश्यूज अराइज होते हैं. इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? इश्यूज कैन बी ऑफ लॉ ऑल्सो, इश्यूज कैन बी ऑफ फैक्ट ऑल्सो. इश्यूज लॉ के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, इश्यूज फैक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं. एंड मटीरियल प्रोपोजिशंस का यहाँ पे मतलब क्या है? मटीरियल प्रोपोजिशंस वो प्रोपोजिशंस होती हैं रिगार्डिंग द फैक्ट और लॉ विच ए प्लेंटिफ मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू शो अ राइट ऑफ कॉज और डिफेंडेंट मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस. जो कि प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में लिखता है इन ऑर्डर टू किस चीज के लिए, ये शो करने के लिए उसके उसका राइट टू सू है. एंड डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता है किस चीज के लिए, कि अपना डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. प्लस कोर्स चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का 10 PM पे प्रीति, प्लस कोर्स इज गोइंग ऑन 10 PM ऑन अन अकेडमी ऐप. तो इश्यूज कैन बी ऑफ लॉ, इश्यूज कैन बी ऑफ फैक्ट ऑल्सो. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज आती है आपको? The important one in इसमें से एक तो ये आ जाता है कि issues का मतलब क्या होता है. So issues arise, issues कब arise होते हैं? जब एक material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by other party. So issues fact के regarding भी हो सकते हैं, issues law के regarding भी हो सकते हैं. Then rule 2 is important. कि court to pronounce judgment, court को judgment pronounce करनी होती है सारे ही issues के ऊपर, ठीक है. Despite of that, कि ये हो सकता है कि कोर्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दे किसी प्रिलिमिनरी इशू को, बट जो कोर्ट है उसको सारे ही इश्यूज पे जजमेंट प्रोनाउंस करनी होती है. एंड जहां पे दोनों ही इश्यूज ऑफ लॉ एंड इश्यू ऑफ फैक्ट एक ही सूट में होते हैं, वहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि उसे पहले इश्यू ऑफ लॉ ओनली को डिसाइड करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कोर्ट पहले डिसाइड कर सकती है इश्यू ऑफ लॉ ओनली को. मतलब क्या है कि जहाँ पे एक ही केस में इन द सेम सूट इश्यू ऑफ लॉ भी अराइज हो रहा है, इश्यू ऑफ फैक्ट भी अराइज हो रहा है, बट अगर कोर्ट की ओपिनियन में कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको इश्यू ऑफ लॉ पे पहले डिसाइड करना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ पहले करना चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है अगर इश्यू ऑफ लॉ रिलेटेड है किस चीज के, रिगार्डिंग टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर वो रिलेटेड है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से, या फिर अगर वो बार करता है, इफ इट बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इफ दैट सूट, इफ दैट इशू रिलेट्स टू द बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वहां पे क्या है, कोर्ट इश्यू ऑफ लॉ को पहले डिसाइड कर सकती है एंड कोर्ट जो है सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज को टिल दैट टाइम पोस्टपोन कर सकती है जब तक कि ये वाला इशू डिसाइड नहीं हो जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोर्ट कब इश्यू ऑफ लॉ ओनली को पहले डिसाइड कर सकती है अगर कोर्ट के ओपिनियन में कोर्ट को लगता है कि ऐसा इशू जो है रिलेटेड है रिगार्डिंग टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट या फिर बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वहां पे कोर्ट इश्यू ऑफ लॉ ओनली को फैक्ट पहले डिसाइड करके बाकी इश्यूज को पोस्टपोन कर सकती है. देन द इम्पॉर्टेंट रूल इन दिस इज रूल 4. अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के ओपिनियन में ये है कि इश्यूज जो हैं वो करेक्टली कोर्ट नहीं फ्रेम कर सकता है, कब नहीं फ्रेम कर सकता है, विदाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, जब तक कि किसी पर्सन को एग्जामिन नहीं कर लेती है कोर्ट, विदाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, जब तक किसी पर्सन को एग्जामिन नहीं कर लेती है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट नहीं कर लेती है विदाउट इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि सूट में प्रोड्यूस नहीं किया गया है और ऐसे पर्सन को जो है सूट में एग्जामिन नहीं किया गया है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एडजर्न कर देगी प्रोसीडिंग्स जो कि 7 दिन से ज़्यादा कोर्ट एडजर्नमेंट नहीं कर सकती है, टू ए डेट नॉट लेटर देन 7 डेज. एंड कोर्ट उन दिनों में क्या करेगी, कोर्ट कंपेल कर सकती है ऐसे पर्सन की, ऐसे डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन प्रोडक्शन के लिए एंड ऐसे पर्सन की एग्जामिनेशन के लिए. तो
क्या है इसमें कि कोर्ट एग्जामिन कर सकती है विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इशू, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे इश्यूज फ्रेम करने के लिए ऐसे पर्सन की अटेंडेंस का होना जरूरी है या फिर किसी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन का होना जरूरी है, पहले कोर्ट कंपेल करके, जो कि कोर्ट एडजर्न कर सकती है, 7 दिन से ज्यादा के लिए वो एडजर्न नहीं कर सकती है। तो क्या कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो अमेंड या फिर स्ट्राइक आउट कर सकती है इश्यूज? वेदर द कोर्ट कैन अमेंड और स्ट्राइक आउट इश्यूज, क्या एक कोर्ट अमेंड या फिर स्ट्राइक कर सकती है इश्यूज को? सो द आंसर इज येस, द कोर्ट मे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी टाइम पे अमेंड कर सकती है या फिर फ्रेम कर सकती है कोर्ट एडिशनल इश्यूज को, एडिशनल इश्यूज को फ्रेम कर सकती है। ठीक है, कब कर सकती है? अगर कोर्ट को लगता है कि ये जरूरी है फॉर डिटरमाइनिंग द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज जो कि इस कोर्ट के सामने फ्रेम हुए, सिर्फ वहां पे कोर्ट जो है अमेंड कर सकती है या फिर स्ट्राइक आउट कर सकती है इश्यूज को, अदरवाइज द कोर्ट कैन नॉट।